और किसी को इसी बात से तकलीफ हो कि हनुमान जी की जाति है, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, वो दवाई ले ले, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जाति का बताओ मुझे, सिर्फ इस बात के लिए क्यों सुना? अरे तुम लड़ लो ना, तुम बेटे को जीतना नहीं है वापस एमएलए होने के, दिमाग खराब हो गया पूरा। बेटा अगर दोबारा हार गया तो परमानेंट तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं पहले बता दूं, आप हमसे पहले टकराए थे बेटे को हरा के, आरसी का अध्यक्ष जरूर बना लिया था, लेकिन एमपी बनाने के सपने आपके अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे। अगर विधायक का भी सोच रहे हो, उसमें भी हम देखेंगे कि विधायक उस समय जो लड़ेगा उसके सामने कौन लड़ेगा। हो सकता है सामने वाला ज्यादा बदमाश हो, और परिस्थितियां बढ़ सकती है, देखेंगे कौन ठीक है कैसे बात करते हैं हमारे उस हिसाब से समझाने के। अभी मारवाड़ के नौजवान, मारवाड़ का वोटर इतना समझदार हो गया, मजबूत हो गया कि वो हर आदमी की बात सुनता है, लेकिन करता अपने मन की है। मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 20 साल तक जो आपने मेरा साथ दिया। हाँ ये सही है कि मैंने सत्ता छोड़ी, परिवार मेरा खो दिया मैंने, मेरे जुनून था कि मैं लड़ूंगा, कोई ये नहीं कहे कि प्रदेश में लड़ने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहे कि राजस्थान में लड़ने वाला नहीं। अरे घोषणा कितनी करो, वोट नहीं देंगे लोग। आपने घोषणा कितना 2012-13 के अंदर, वो बांट दो ट्यूबलाइट, बांट दो दवाई, बांट दो। लोगों ने दवाई भी खाई और वोट भी खिलाफ डाला, लेकिन उस समय बीजेपी थी, उसमें आरएलपी नहीं थी 13 का, आरएलपी आई 18 का, रोक दिया दोनों पार्टी वहीं पे, एक वेंटिलेटर पे चली गई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बेहतर बेहतर बेचकोले खा रही थी। कई जगह थड़थड़ मैं कल सूची पढ़ रहा था तो मैंने मंत्री जी को फोन लगाया, मैंने कहा मंत्री जी आपका नाम आ गया दिल्ली में, बोले काई में, मैंने कहा तीसरे नंबर लिखा हुआ है इसमें, जब आप एमएलए का चुनाव लड़े तो थर्ड थे हम मंत्री हो। हकीकत मैंने कहा कैसे बने, वो भी छोड़ो, वो मेरे से हाथ मिलाया जाए। बीजेपी हार रही थी लोकसभा के अंदर, आरएलपी से हाथ मिलाया और भाजपा 25वीं चली गई और कांग्रेस में अशोक गहलोत का बेटा 2 सीट हार गया। अभी भी जो गहलोत घूम रहा ना जोश, गलतफहमी में नहीं रहे। अगर रोक रखा है बीजेपी गांधी को तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी गांधी को राजस्थान के अंदर रोक रखा है। इतने नौजवान निकल पड़ा और गहलोत साहब जिस तरह परमिशन रद्द कर रहे हो, कोई ये नहीं कहे इस कौम के सारे के सारे लोग मंत्री बनने के लिए चप्पल जूते उठाते हैं, ये मुझे बुरा लगा। इसे हनुमान बनवाल ने आपने लड़ाई लड़ी और छात्र संघ के अंदर भी मैं इसलिए आपके बीच आया। लोगों ने कहा कोई चुनाव होते हैं क्या, कैसे चुनाव हो जाएंगे, बदरी माफिया की दरी समेटी नहीं समेटी, सारी गले लगे भाग गया और उसका कुछ सामान अगर बचा हुआ सरकार के अंदर तो हम आएंगे। ये तय है आप इसको क्योंकि वोट आपको डालना है, ये आपका जो जुनून देख रहे हो ना सरकारें काट दिख रही है आपके सामने। अभी हमने स्वच्छता अभियान चलाया 1 महीने, इतने सच्चे बड़े अंदाज लगा सकते हैं, जब हम जारी करेंगे उसको देखना कि 1 महीने के अंदर बच्चे अपने अपने साधनों से, छोटे बच्चों के आपने फोटो देखो झोंपड़े में छोटा बच्चा फोटो लगा रहा आरएलपी, तो ये प्रदेश को जिसकी आवश्यकता था वो उनको पार्टी मिल गई, वो नेता मिल गया। जो झुक 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 नहीं सकता वो टूट सकता है, झुकेगा नहीं। जो समाज के किसान के जो गौरव है उस गौरव को कभी खत्म नहीं करेगा, किसान को उनके सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। वो जवान किसान सर्व समाज की बात करता है, वो 36 कौम की बात करता है। कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनको पता नहीं जब जातियों की बात आती है, जातियों की तकलीफ होती है तो सबसे पहले हर जाति के लिए अगर सड़क पर बैठा मिलता है उसके तीनों विधायक, वो खुद उसके सारे सारे नेता प्रधान सड़कों पर हर जाति को न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। अब मेरी जाति जो है वो जाति मैंने थोड़ी बढ़ाई, अरे जितने खड़े हो मीडिया के भी लोग खड़े हैं, कहीं कहीं किसी की जाति है वो तो पहले से ही जाती है हमारे पास, 1000 साल 2000 5000 साल की व्यवस्था होगी। और जो फार्म भराती है सरकार उसमें जाति लिखवाती, लिखवाती नहीं लिखाती, आरक्षण भी है अपना SC ST OBC आर्थिक आधार पे गुजर और इनको अलग से आरक्षण, ये जाति मैंने लेके आया।